ये रिसेप्शन कमेटी और सिर्फ तुम लोग, बाकी सब कहाँ? सर पूल साइड पे सारे फैंस, क्राउड, मीडिया, सब लोग आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं सर। गिरीश बुक वाले आए? उन्होंने आने से मना कर दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? अब सर उन्होंने कहा कि वीडियो शूट करके भेज दो। फॉरेन टीवी चैनल्स, न्यूज इंटरनेशनल, कितने लोग हैं टोटल? और टोटल कोई 50-60 तो होंगे ही। अरे कहाँ यार, कहाँ जा रहे तू? जादूगर जेंगो की लाइफ का सबसे खतरनाक मैजिक एक्ट, चंद मुठी भर लोग। अरे लेकिन तू जानता नहीं है, बजट बजट आम जादूगरों के लिए होता है, जेंगो आम नहीं है। डार्लिंग रुको, आज तुम्हें 50 लोग देखने हैं, लेकिन तुम्हारा एक्ट परफॉर्म होने के बाद कल 50,00,000 लोग आएंगे, सबकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, जेंगो, इंडियाज़ बेस्ट जादूगर, जेंगो, जेंगो। यस सर, ऐसा हैरत अंगेज अंडरवाटर एक्ट तो किसी ने नहीं किया है। एंड टाइम पे लटका मत मेरे बाप, अब हाँ कह दे। प्लीज सर, अगर आज का एक्ट कामयाब हो गया तो आप इंडिया के नंबर वन जादूगर बन जाएंगे सर। What do you mean by अगर एक्ट कामयाब हुआ तो? I'm already a star. मैं इंडिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। Follow me. Django, 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 Django. गिनी गिनी बादशाह. क्या है इधर? कुछ नहीं है, बेल्ट का बकल। All the best, my darling. Idiot. चेहरा गंदा कर दिया मेरा। पूछो। जादूगर जेंगो, आज आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट है, आप इसके बारे में प्लीज हमारी जनता को कुछ बताएं। कौन जनता? यहाँ जनता नहीं, जादूगर जेंगो के फैंस हैं। जादूगर जेंगो अपने बदन को हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़ के इस संदूक में अपने आप को बंद कर देगा, और फिर आपके समेत इस संदूक को स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया जाएगा, और फिर आप जादू करेंगे? नहीं नहीं, और फिर मेरे समेत इस संदूक को इस स्विमिंग पूल की गहराई में डाला जाएगा, और फिर एक मिनट के अंदर, जी हाँ एक मिनट के अंदर, मैं ये ताला और जंजीर खोल के मैं इस पानी के बाहर आ जाऊँ। कितने टाइम में? 60 seconds। ये तो ऑल इंडिया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जादूगर बोबो बॉस ने यही एक्ट को करने के लिए पूरे 2 मिनट का वक्त लिया था। किस मनहूस का नाम ले रही आप? आप मेरा खराब करना चाहती हो, झोंगी पगले का नाम लेकर। गिली गिली बादशाह, अब देख मेरा तमाशा, तुझे नहीं फेल किया तो मेरा नाम बोबो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पानी की मौत के लिए तैयार हूँ। संजीव,
अलविदा हो दुनिया, जादूगर जेंगो को आखिरी सलाम। कुछ नहीं, मीडिया को कंट्रोल में रखते, थोड़ी देर में देखते हैं फिर क्या होता है। आप मीडिया को कंट्रोल में रखिए। तीन मिनट हो गए, इतना टाइम तो जेंगो सर ने रिहर्सल पर भी नहीं लगाया। जरूर कुछ गड़बड़ है, संदूक बाहर निकलवाना होगा। पागल हो गए क्या? संदूक बाहर आने का मतलब समझते हो? एक्ट खत्म, मेरे पैसे का क्या होगा? सब डूब जाएगा। चावला सर, संदूक बाहर निकलवाना होगा, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। यार जल्दी उठाओ, अरे खींचो। हेलो मिस्टर चावला। हाँ कीर्ति और मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? अच्छा हाँ हम यहीं। ऑलराइट आ रहे। मुझे पता था एक ना एक दिन भैया के साथ ये सब होने ही वाला है। अरे हमारे बोलने से कभी माना है तुम्हारा भाई? सब रुको, ऑलराइट? हमें तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए।
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? देखिए, मैं उनका जीजा हूँ। अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर, भैया को चाकू कैसे लगा? पता नहीं क्या हुआ, वो तो संदूक में अकेले थे और वो संदूक बीच स्विमिंग पूल में, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हो रहा। जाएंगो पर ये पॉसिबल कैसे है? जाएंगो को कोई चाकू कैसे मार सकता है? वो तो अकेला था और संदूक के अंदर। सुभाष को तुमने संदूक बंद करके फिर से खोला था ना, और तुमने उसमें झांका भी था। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब दो। सुभाष को जवाब तो देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जंगो सर को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जंगो सर को नहीं मारा है। उस संदूक को स्विमिंग पूल में डाला गया उससे पहले आपने उसे खोल कर अंदर झांका था। पुलिस को संदेह है कि उसी समय आपने अपने वस्त्रों से खंजर निकालकर जादूगर के छाती में खोला। नहीं सर, मैंने संदूक इसलिए खोला क्योंकि अंदर से जैंगो सर खटखटा रहे थे, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो। बिस्को, नीचे कपड़ा फंसा हुआ है, उसे निकाल दो नहीं तो निकलने में प्रॉब्लम होगी। आर यू ओके सर? यही हुआ था सर, मैं अपने साथ कोई चाकू लेकर नहीं गया था और ना ही मैंने जैंगो सर को मारा है। तो फिर किसने मारा सर बिस्को? किसी ने तो चाकू को पाया उनकी छाती में, क्योंकि जब संदूक बंद किया गया, जब वो संदूक के अंदर गए तब वो जीवित थे। जब भीड़ के सामने संदूक को नीचे उतारा गया पानी में, उस समय वो जीवित थे, लेकिन जब संदूक को बाहर निकाला गया तब उनकी छाती में खंजर था। ये हुआ कैसे, किसने किया? हम सब जानते हैं कि ये जादू हाथ की सफाई है, नजरों का धोखा है, लेकिन उनकी छाती में वो खंजर, ये तो हाथ की सफाई नहीं, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, ये वास्तविकता है। किसने मारा उन्हें? I really don't know, sir. मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भी कोई जादू है। चिटपटक धुम खिली छाया, तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया।
सर अब थारा लगाओ और हमको ताबूत के साथ समुंदर में फेंक दो। ओके? लेकिन सर मतलब 10 जेंगो मरते हैं तब जाकर एक बो बो बोस पैदा होता है, अंडरस्टूड? जल्दी से बंद करो और समुंदर में फेंक दो। योर ऑनर, यही है वो संदूक जिसमें तालों और जंजीरों से जकड़े हुए जादूगर जेंगो को बंद किया गया था। बाहर से संदूक को ताला लगाया गया था और इस संदूक को स्विमिंग पूल में नीचे उतारा गया था, लेकिन जब वो बाहर निकला तब जादूगर जेंगो की 36 इंच की छाती में 8 इंच का ये चाकू था। ये देखिए योर ऑनर, किसी भी तरह से ये चाकू अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा संदूक है, कोई ट्रिक संदूक नहीं है, जादू वाला संदूक नहीं है। सील पैक बंद किया गया था, कर्तव्य तो जादूगर जेंगो दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले कोई और अपना कर्तव्य दिखा गया है, am I right? इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि इस संदूक में जैसे कि मैंने दिखाया, ना चाकू बाहर से अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है। और अटक सर, अंदर की बात करते हैं, मुझे पता है आप ये भी पूछेंगे, तो देख लीजिए अंदर भी। ये इसके अंदर ना ही कोई नकली ताला है योर ऑनर, ना ही कोई नकली पैनल है जिसके अंदर चाकू को छुपाया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हिडन केस नहीं है, पॉकेट नहीं है, कोई कंट्रैप्शन नहीं है। ये आबरा का डाबरा, काली कलकत्ते वाली, तेरे वचन ना जाए खाली, ऐसी कोई तरकीब हुई नहीं है यहाँ पे, कोई जादूगिरी नहीं हुई है उनके साथ, जादूगर के साथ। सिंपल, कातिल ने वार किया और जादूगर जेंगो मर गया। और एक ही शख्स हो सकता है योर ऑनर जो ऐसा कर सकता है, जिसने आखिरी बार इस संदूक में अंदर देखा था, जादूगर सेबिस्को। ये सब आपने देखा? नहीं। तो वहाँ उपस्थित जो लोग थे, दर्शक थे, उनमें से किसी ने देखा? देखिए, नहीं, मुझे दिखाइए मत, मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जायसवाल साहब। क्या आपने या किसी और ने या वहाँ उपस्थित किसी ने भी सबिस्को को इस जादूगर को चाकू मारते हुए देखा? यस मिस्टर जायसवाल, इस कातिल का कोई चश्मदीद गवाह है? योर ऑनर, कई बार हमने केसेस में देखा है कि कातिल बहुत ही शातिर होता है, बहुत होशियार होता है। सेबिस्को भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। बड़ी होशियारी से उसने इस तरह से ऑडियंस और कैमरा का जो एंगल था उसको इस तरह से कवर कर दिया कि जब वो वार कर रहा था तब किसी को कुछ दिखे नहीं। करना जरूरी था, वरना वो चाकू निकालता कैसे, वार करता कैसे? आई थिंक इसी को कहते हैं पाठक साहब वेल प्लान मर्डर। नहीं जसवाल साहब, इसे कहते हैं निजी अनुमान, आपका निजी अनुमान जिसके अनुसार इन्होंने चाकू मारा, किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने चाकू मारा होता तो उस दर्द से जादूगर जेंगो कराह उठते, आवाज होती, लेकिन किसी ने ऐसा किसी कोई आवाज सुनी भी नहीं। शोर हो रहा था वहाँ पे, जेंगो जेंगो जेंगो। योर ऑनर, ये आवाज तो सभी ने सुनी और उस आवाज में बेचारे जेंगो की आह वाली जो आवाज थी दब गई। ये भी आपका एक अनुमान ही? नहीं, ये मुमकिन हो सकता है। खैर, आपको तो यही लगेगा कि आपका मुवक्किल निर्दोष है, मैं कहूं उससे उल्टा कहना ये तो आपकी फितरत है, तो साबित करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। योर ऑनर, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, मैं इस संदूक में बंद हो जाता हूं और आप बन जाइए सबिस्को, मैं बन जाता हूं जेंगो। ये लीजिए चाकू आपके हाथ में है योर ऑनर,
मैं इसमें बंद हो जाता हूँ। ऐसा ही कुछ पहना था जैंगो ने भी शायद। मैंने लेपल माइक पहना हुआ है ताकि अंदर जब संदूक बंद होगा मैं जो भी बोलूंगा ये स्पीकर्स में आवाज सुनाई देगी। योर ऑनर गो ऑन। क्या है कि सत्य तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब जरा मुंडी संभालिए ना जैसे। हां जी। लॉक किया जाए। ये योर ऑनर, मुझे इस संदूक पर ताला लगाना पड़ेगा। लॉक क्यों? सब कुछ हूबहू वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस दिन था। लगा लीजिए ताला। मैं अदालत में बयान देता हूं कि अगर मेरी मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, आप नहीं पाठक साहब। ये क्या कर रहे हो केडी? अब आई एम वेटिंग। अटैक अटैक। आर यू ओके जसवाल साहब? आई एम परफेक्टली फाइन। आप अटैक कीजिए। पता नहीं जयसवाल साहब ने ये कदम क्यों उठाया, ऐसा क्यों किया। मैंने संदूक को चेक किया है और मैं जयसवाल साहब के ऐसे किए बिना ही उन्हें बता सकता था कि संदूक के अंदर व्यक्ति पर बाहर से वार नहीं किया जा सकता। पता नहीं उन्होंने क्यों किया ऐसा। नहीं किया जा सकता ना, देखा? जयसवाल कभी गलत नहीं होता। चलो 10 मिनट के अंदर अंदर आप केस हार गए, अभी संदूक खोलो। हाँ संदूक खोल देता हूँ। अरे जल्दी खोलो, मेरी सांस घुट रही है पाठक साहब। पता नहीं क्या हो गया इस ताले को। जल्दी खोलो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा यहाँ पे, घुटन हो रही है अंदर। खोले ना। जसवाल साहब ठीक है ना आप? लो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा यहाँ पे, घुटन हो रही है अंदर। खोले ना। मैं खोल रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही है जसवाल साहब। छोटी मेरी चाबी नहीं मिल रही है। अच्छा है, अभी गुच्छे में कौन सी चाबी थी, लग नहीं रही कोई चाबी। योर ऑनर ये पाठक साहब जानबूझ के कर रहे हैं शायद। प्लीज आप ताला तोड़वाइए, मैं मर जाऊंगा। खोलिए मिस्टर पाठक। जी योर ऑनर। योर ऑनर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चाबी नहीं लग रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ योर ऑनर चाबी। क्षमा चाहता हूँ, खांसने ये पा रहा हूँ मैं। खोलिए जल्दी, जरा सांसें बचा कर रखिए, चाबी नहीं मिल रही। सांसें अगर बची नहीं तो लंबा हो जाऊंगा पाठक साहब। योर ऑनर। नहीं नहीं बस बस खोलो। खोल ही रहा हूं जयसवाल साहब, धैर्य रखिए धैर्य रखिए। खुल गया योर ऑनर। हाँ खोल 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 रहा हूं जयसवाल साहब। आप That was not funny. No, absolutely not. ये क्या बचपना है मिस्टर पाठक? सर यही तो मैं जयसवाल साहब से पूछ रहा था कि क्यों ये बचपना किया आपने। अंदर बंद होने से पहले आप मुझे पूछ लेते तो मैं स्वयं आपको बता देता कि बाहर से वार करने का कोई तरीका नहीं है, मैं देख चुका हूँ। इसी संदूक में इस केस को दफन न कर दिया तो मेरा नाम एम जयसवाल नहीं। 10 मिनट में? 10 मिनट साबित हो चुका है योर ऑनर, ये के बाहर से वार नहीं हो सकता। मैं केस जीत गया हूँ। ओपन एंड शट केस। स्पष्ट है कि जब बाहर से व्यक्ति पर वार नहीं किया जा सकता तो वार अंदर से ही हुआ है। ओ, और किसने किया अंदर से वार? ये भी स्पष्ट है योर ऑनर कि संदूक के बाहर से वार नहीं हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे मुवक्किल ने वार नहीं किया। संदूक के अंदर केवल जादूगर जैंगो थे अकेले, तो स्पष्ट है कि ये वार उन्होंने ही किया है। आत्महत्या करार देना चाहते हैं, इस केस को पूरा पलटी करवा देना चाहते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, जाएंगो जादूगर सुसाइड क्यों करे? उसका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल ठीक था, जीवन से बिल्कुल तंग भी नहीं आ गया था, तो फिर क्यों करेगा वो सुसाइड योर ऑनर? नहीं, ये जादूगर जाएंगो की मानसिक विवरण आप कैसे दे सकते हैं जसवाल साहब? उसकी फैमिली वाले तो साबित कर सकते हैं ना? प्रयास कर सकते हैं योर ऑनर। जैंगो की छोटी बहन कीर्ति सक्सेना को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कटघरे में, वही कहेगी कि उनका मानसिक संतुलन कैसा था। परमिशन ग्रांटेड। सर मेरे भाई जैंगो के लिए उसका जादू सिर्फ उसका पेशा नहीं, उसका जुनून था।
का भगवान था। जादू में असफल होना उसके लिए मौत से भी बदतर था, इसलिए अपने आप की जान लेना, वो भी अपने ही एक्ट के दौरान। सर मुझे ये नामुमकिन लगता है। मेरा भाई बहादुर था, कायर नहीं, वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। मेरा भी यही मानना है, लेकिन पाठक साहब मान नहीं रहे ना। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा जादूगर जेंगो को? सर बात साफ है, इस ज़ेविस्को ने मारा है मेरे भाई को। कीर्ति जी, आपके आपके भाई साहब के देहांत का शोक जताते हुए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो ये मत देखिए। बहरहाल स्विमिंग पूल के आसपास तो दूर आप उस जगह के आसपास भी नहीं थी, उस स्थान के आसपास भी नहीं थी, और इतने जोशो खरोश से आपने सब इसको पर ये आरोप लगाया है, क्या आधार है आपके आरोप का? सर अगर मैं 7 समंदर पार भी होती और मेरे भाई पर कहीं बिजली गिरती तो भी इसका इल्जाम मैं इस ज़ेविस्को पर ही डालती। नहीं, लेकिन पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं इसकी असलियत। एक हफ्ते पहले कोलाबा में मेरे भैया के शो की रिहर्सल चल रही थी, मैं गई थी वहां उनसे मिलने के लिए। मैंने बैकस्टेज पर कुछ देखा। घबराना मत फ्लोरा। घबरा तो तुम रहे हो ज़ेविस्को, पार करो। क्या बात है फ्लोरा, तुम्हारे चेहरे पर तो शिकन तक नहीं। भरोसा है तुम पर और प्यार। प्लीज ज़ेविस्को, अगर ये बात जेंगो ने सुन ली ना तो। फ्लोरा, वो तुम्हारी कदर नहीं करता है, एक एक सामान की तरह तुम्हारा इस्तेमाल करता है, जबकि मैं तुम्हें सराखों पर बैठा कर रखूंगा। रियली? और जेंगो का क्या? उस पर तो मैं ऐसा जादू करूंगा कि वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो कत्ल करोगे उसका? तुम्हें पाने के लिए मैं जेंगो को एक बार तो क्या 1000 बार मार सकता हूं, 1000 बार। फ्लोरा को पाने के लिए इसने मेरे भाई को मार डाला है। भाई को ये सच नहीं है। चलो नहीं, ये सच है। लेकिन अभी अभी इन्होंने जो फ्लोरा वाली बात कही, क्या वो सच है या वो भी सच नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सच है या नहीं है? नहीं। ज़ेविस्को, सच कहो अदालत में। जी वो मैं फ्लोरा को चाहता हूं। इसीलिए उस दिन जोश में मैंने ये सब कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगा अदालत को, और मकसद भी। खैर मकसद तो साफ हो गया यार ऑनर, इनके पास वजह तो थी जादूगर जेंगो को मारने की, मोटिव फॉर मर्डर पाठक साहब। और अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए मैं सिक्योरिटी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? जी साहब। उस दिन मैं अपने मेटल डिटेक्टर से सभी की जांच कर रहा था, जब इन साहब की बारी आई तो हमारे मेटल डिटेक्टर ने बीप किया। इसका मतलब इनके पास कुछ था, पर इन्होंने हमें दिखाया नहीं। कैसे दिखाते?
चाकू था ना, नहीं दिखा सकते। वो चाकू नहीं, मेरी बेल्ट का बकल था। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका बेल्ट का बकल था, क्या लगता है आपको? आप एक सुरक्षा कर्मी है, मेटल डिटेक्टर क्या बेल्ट के बकल पर बस ये आवाज करेगा, संकेत देगा? हाँ सर, हो सकता है। तो हो सकता है कि वाकई वो बेल्ट का बकल था, और अगर चाकू नहीं था जसवाल साहब, तो फिर हम कैसे दोषी मान सकते हैं? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन जब मैं उस जबस को जंगो सर के मैनेजर के साथ नीचे वेट कर रहे थे, तो मैंने कुछ देखा था सर। जंगो यार, कहाँ है तू? शो शुरू करना है कि नहीं, तो जल्दी पहुंचना। हाँ, आपको सुपरस्टार समझता है। ईश्वर की वो चाकू ही था, कुछ और नहीं? जी हाँ सर, वो चाकू था। सोच कर बताओ, हो सकता है वो कुछ और हो। सोचो सोचो। नहीं सर, वो चाकू ही था। There you go, Mr. Patak. आखिरी विकेट भी डाउन। आउच! कीर्ति ने मकसद बताया, इन्होंने हथियार बताया। मैं आपको गुनेगार दिखाऊं? आपके पीछे देखो, खड़ा है उसी के हाथ में चाकू था, उसी ने वार किया, उसी ने मारा जादूगर जेंगो। मेरे पास कोई चाकू नहीं था। जब इसको क्या तेजा ने तुमसे पूछा था उस वस्तु के बारे में जो तुम्हारे जैकेट के अंदर थी? जी हाँ, इसने कहा था। तुम्हारे जैकेट में चाकू था? सर, जिस चाकू से जंगो सर की मौत हुई वो चाकू दूसरा था। मतलब तुम्हारे पास चाकू था या नहीं था? हाँ, लेकिन लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि तुम खूनी हो। Case is over, Your Honor. पर वो चाकू। Shut up! तुम्हारे पास चाकू था और जंगो को मारने के इरादे से ही तुम अंदर लेके गए थे और तुमने वही किया। Your Honor, the case is over, full and final. केडी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो चाकू दूसरा था, मेरे नाइफ थ्रोइंग एक्ट का था। तो फिर वो चाकू छिपा कर तुम क्यों लेकर गए थे? वो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। सब इसको जाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप केस हार चुके हैं पाठक साहब। एक था टाइगर, एक है टाइगर। सारे अखबारों और टीवी में सिर्फ दो ही खबरें हैं, जैंगो की मौत और शिवास्को की सजा। लगता है लोग हमें भूल गए। नो, ऐसा नहीं होगा। बोबो बॉस को कोई नहीं भूल सकता। बोबो सा? ओह शट अप! सर, यू आर द बेस्ट। दुनिया बोलनी चाहिए I am the best. Bobo Boss is the best. जंगो सर की मौत के बाद तो हम सब अनाथ ही हो गए। समझ ही नहीं आ रहा करें क्या? क्या करें? अरे ये तो जंगो सर का है, मुझे क्यों पहना रहे हो? भूल जा जंगो को, आज के बाद तू है मेरा नंबर वन जादूगर। जादूगर तेजा। जादूगर तेजा। और वो जेविस्को, आपको तो पता है ना, वो छोटा है मगर जादू की दुनिया में बड़ा सीनियर है मुझसे। जेविस्को गया जेल के अंदर, बाहर आने वाला नहीं है। मैं तुझे बनाऊंगा इस देश का नंबर वन जादूगर, जादूगर तेजा। मैं जादूगर तेजा, इंडिया का नंबर वन जादूगर। जूम जूम, जैप जैप। सैल्यूट चावला जी, सैल्यूट। हवलदार,
दुकानदार, कोई है? क्या चाहिए? मैं इस सेल में नहीं रहूंगा, किसी के साथ। किसी के साथ? तू तो इधर अकेला है। अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इस सेल में अकेला दिखाई दे रहा हूं, तो इतनी बड़ी चीज नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? और देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो, कुछ दिखा? दिखा? मेरे साथ इस सेल में एक बहुत बड़ा हाथी है। बड़ा हाथी लॉकअप में? सर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जुर्म क्या किया है इस हाथी ने? वो सब तुम बाद में सोचना, पहले तुम मुझे यहां से बाहर निकालो, जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी खोलिए। मैंने कहा था ना, कोई आवाज नहीं, वरना ये हाथी हाथी भड़क उठेगा। देखो देखो कैसे गुर्रा रहा है ये। देखा, लगता है बेचारा भूखा है। आप एक काम करो, आप इसे केले खिलाओ। केले? केले तो है ही नहीं। अरे हवलदार साहब, आपके हाथों में ही तो है केले, देखिए। अरे हाँ, केले तो मेरे हाथ में ही है। और नहीं तो क्या? अब एक काम कीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए और हाथी को केले खिलाइए, ठीक है? आइए आइए, देखिए वो हमें ही देख रहा है। काटेगा नहीं? फालतू लगता है, लेकिन हाँ, बिना आवाज किए, समझे आप? हाथी को केले खिलाइए, जाइए। डरिए मत हवलदार साहब, जाइए। मेरे राजा, केला खाओगे? हाँ, खाओ खाओ, ए? खाओ खाओ। मिस्टर जेंगो की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी और असेट्स की आप अकेली मालिक होंगी। उनकी बहन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पे आपका हक होगा। जी हाँ, कहाँ साइन करना है मुझे? यहाँ साइन। मैं जल्द से जल्द सारे पेपर्स आपके नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ। ऑल राइट मिसेस सक्सेना? थैंक यू। केडी सर, जैंगो नंबर वन जादूगर था या नहीं, पर उसका असिस्टेंट जुबिस्को नंबर वन झूठा निकला। अरे, अपने साथ चाकू लेकर गया और सबके सामने उसने जैंगो को मार डाला। मुझे संदेह है वरुण कि ऐसा नहीं हुआ। अगर जुबिस्को जैंगो को मारना चाहता तो कहीं एकांत में मारता, इतनी बड़ी भीड़ के सामने ऐसा करके जोखिम क्यों उठाता? केडी सर प्लीज, आप उसके भोले चेहरे पर मत जाइए। वो जादूगर नहीं, काला जादूगर है, उसी ने मारा जैंगो। मेबी ऐसा भी तो हो सकता है कि केडी पाठक, जैंगो को जुबिस्को ने नहीं, मैंने मारा है, मैंने। कौन बोल रहे हैं? ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मेंशन, लोखंड वाला रोड, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मेंशन, लोखंड वाला, आता हूं अभी। कौन था सर? कोई गोपनीय व्यक्ति है जो कह रहा है कि जेंगो की हत्या उसने की है। मैं कुछ समझा नहीं। तो बात तभी समझ में आएगी जब उससे मिलेंगे। हाँ दवे, बोल। क्या, कब? थैंक्स दवे, अद्भुत। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जुबिस्को ने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार लिया।
जेल से भाग गया वो। Anyway, जो भी हो, जो हो गया सो हो गया। इस व्यक्ति से मिलकर देखता हूं आगे क्या होता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? घबराओ मत केडी, आ जाओ। आप ही हैं मिस्टर बोबो बोस? ये हमारा आधा नाम है। हमारा पूरा नाम है इंडिया का बेस्ट जादूगर बोबो बोस। राइट। केडी, आप तो जानते होंगे कि मेरा जादू कितना निराला है। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये बताने के लिए कि जेंगो को हमने मारा है। जेंगो को आपने मारा है, ये तो फोन पर भी कहा था आपने। मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कैसे मारा है, क्योंकि जेंगो संदूक में बंद था। वो बंद संदूक पानी में डूबा हुआ था। चाकू कैसे मारा और आप थे क्या वहाँ? वो बुरके में आप थे क्या? सही पहचाना खेड़ी, वो बुरके में खूबसूरत हसीना हम ही था। राइट राइट राइट। तो बताइए जरा कि कैसे बुरके में से आपने चाकू फेंका और वो चाकू संदूक में बंद जादूगर जेंगो कर जाकर कैसे लगा? जादू से। ऑफ कोर्स जादू से। लेकिन वो तो जेंगो जी तो संदूक में बंद थे, वो संदूक पानी के अंदर धसा हुआ था, तो जादू से आपने कैसे मार दिया उन्हें? जादूगर अपना जादू दिखाता है, बताता नहीं, समझा तुम? तो दिखाइए कैसे मारा। मैं वो बॉस अदालत में आके सबको ये बताएगा कि जेंगो को हमने कैसा मारा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.